इद्दत में दूसरा निकाह कर लिया तो अब क्या करें। मेरे एक दोस्त ने अपनी बीवी को एक ही तलाक दी थी कि इसकी बीवी ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी शादी कर ली। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अलबत्ता इन मियां बीवी को आखिरी दफा मिले हुए 1 साल गुजर चुका था और जिस शख्स ने इससे शादी की इसके इल्म के मुताबिक औरत को बाकायदा तलाक हो चुकी थी। यानी इनका कहने का मकसद ये है कि शोहर ने बीवी को 1 तलाक दी और अभी इद्दत पूरी नहीं हुई कि खातून ने कहीं और शादी कर ली, लेकिन जहां शादी की उसको बेवकूफ बनाया। वो दूसरा मर्द ये समझ रहा था कि इसकी इद्दत पूरी हो चुकी है, इस खातून ने उसे झूठ बोला। अब इसका क्या हुक्म होगा। मेरा दोस्त चाहता है कि दूसरे शख्स की ही ये शरई बीवी बन जाए क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि इसकी साबिका बीवी गुनाह की जिंदगी गुजारे। उस्मान गनी आयरलैंड से। जनाब उस्मान गनी साहब, इद्दत के दौरान निकाह नहीं होता। औरत ने अगर इद्दत के दौरान किसी मर्द से निकाह कर लिया तो वो कलदम है, जिना है, औरत को बदकारी और जिना का गुनाह मिल रहा है। लेकिन चूंकि दूसरे मर्द को ये मालूम नहीं था कि ये खातून झूठ बोल रही है, तो इससे अगर औलाद होगी तो वो साबित नसब औलादी कहलाएगी क्योंकि उस मर्द को का तो कसूर नहीं है ना, उस बच्चे का भी कसूर नहीं है, लेकिन ये औरत ने बहुत बुरा किया, बहुत बड़ा जुर्म किया। अब इनके जो साबिक शौहर है वो चाहते हैं कि ये इसकी बीवी का जो दूसरा रिश्ता है वो सच्ची मुच्ची का हलाल हो जाए, ये जिना के गुनाह में मुब्तला ना हो। देखें उसका तरीका ये है। अच्छा, ये भी इन्होंने पूछा कि मियां बीवी को मिले हुए 1 साल हो गया था, तो देखें 1 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, जब शौहर तलाक देगा ना तो इद्दत उसके बाद शुमार होती है। इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि 1 साल पहले मिले थे या 1 साल या 2 दिन पहले मिले हैं। इद्दत काउंट होती है मियां बीवी के मिलने के बाद के वक्त से नहीं, बल्कि डिवोर्स के टाइम से। जब डिवोर्स दिए उसके बाद से 3 महीने गुजरना जरूरी है। तो अब चूंकि इन साहब को एहसास हो गया कि इनकी जो एक्स वाइफ है वो जिना कर रही है, ये चाहते हैं कि इसका दूसरा रिश्ता हलाल हो जाए। तो देखें आप तो तलाक दे चुके हैं, उस खातून की इद्दत भी पूरी हो चुकी है, अब रिश्ता हलाल करने का आप नहीं कर सकते ये, बल्कि उस खातून पर लाजिम है कि वो शोहर से दोबारा अब निकाह करे क्योंकि अब तो 2 साल या 1 साल गुजर चुका है, इद्दत बहरहाल पूरी हो चुकी है, अब वो निकाह करे दोबारा से। पहला वाला निकाह कल अदम था। तो वो औरत को चाहिए कि अपने शोहर को किसी तरह समझाए, पूरी हकीकत अगर बताना मुमकिन नहीं है, शोहर गुस्से में ना आ जाए, तो फिर ये कह ले कि भाई हम एहतियातन दोबारा निकाह अपना पढ़ा लेते हैं, ये कह दे कि हम दोबारा निकाह पढ़ा लेते हैं, इसमें क्या जा रहा है, किसी तरह शोहर को इसके फाइल कर ले, तो 2 गवाहों की मौजूदगी में ये औरत और इसका शोहर इजाबो कबूल कर लें कि मैंने इससे इतने मेहर में निकाह किया, वो गए मैंने कबूल किया तो निकाह हो जाएगा, तो ये तजदीदे निकाह हो जाएगी, तो ये औरत का रिश्ता अपने शोहर के साथ हलाल हो जाएगा क्योंकि इस औरत को बहरहाल जिना का गुनाह मिल रहा है, इसने इद्दत के दौरान शादी की है।